इंडिया इंडिया हाजी हाजी अरे हेलो अरे नहीं हेलो हेलो अरे यहाँ पे मीटिंग चल रही है ना हेलो हाजी हेलो मैं आपको खबर देता रहूँगा ओके हाजी हाजी मैं रघु कानो सुनने के लिए अमेरिका से। जैसा कि आप सब जानते हैं अमेरिका की अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था मासा ने मंगल ग्रह पर एक यान भेजा है। यान भेजने के ठीक 7 महीने बाद बुलाई इस टॉप सीक्रेट मीटिंग को कवर करने के लिए मैं और मेरे साथी यहाँ पहुँचे हैं। खबर लीक हुई है कि मंगल ग्रह पर भेजे यान पाथफाइंडर में कुछ खराबी हुई है और वो खराबी ठीक करने के लिए पाथफाइंडर के चीफ वैज्ञानिक गुलेक्जेंडर को भेजना तय हुआ था। दोस्तों टॉप सीक्रेट न्यूज ये है कि गुलेक्जेंडर साहब अमेरिकन गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर फरार हो गए हैं। वो अपने पीछे एक चिट्ठी छोड़ गए जिसमें लिखा है कि वो नहीं जा सकेंगे मंगल ग्रह पर क्योंकि 3 महीने बाद वो बाप बनने वाले हैं ना है ना जेन्युइन रीजन। उससे भी बड़ा रीजन ये है कि 2 महीने के बाद उन्होंने शादी की भी सोची है तो अब सारी दुनिया को तलाश है प्रोफेसर गुलेक्जेंडर। मुबारक हो प्रोफेसर गोखले आप जो 20 साल से रिसर्च कर रहे थे आखिर उसमें आपको कामयाबी मिल ही गई। थैंक यू प्रोफेसर चंपाकली अगर आप ना होती तो मैं कभी कामयाब नहीं होता। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी इंडियन एयरफोर्स काफी स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपका सुपरसोनिक प्लेन उनको मिल जाए? डेफिनेटली मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि मेरा ये प्लेन इंडियन एयरफोर्स को मिले। सर ये मॉडल बनाने में आपको 20 साल लगे तो इसे उड़ाने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं। मैं तो दरअसल चाहता हूँ कि मेरा बेटा इसका इंजन बनाए। सर आपका बेटा क्या करता है? अभी तो चलना सीख रहा है। हाँ, अगले साल उसे नर्सरी में दाखिल करूंगा तो शायद कुछ करना भी सीख जाए। अच्छा ओ ओ थैंक्स सर फैक्स आया है। थैंक्स। अरे ये तो हमारे अमेरिकन हेड ऑफिस से आया। सर पगार कब भेज रहे हैं उसके बारे में कुछ लिखा है? ओ, नहीं नहीं अरे हाँ? प्रोफेसर गुलेक्जेंडर अमेरिका से भाग गए। दैट्स ग्रेट लेकिन वो अकेले भागे हैं या किसी अबला नारी ने उन्हें भगाया है? अरे नहीं नहीं अकेले ही भागे हैं और लगता है भागकर हिंदुस्तान ही आए हैं। हमें उन्हें फौरन ढूंढना पड़ेगा वरना मंगल ग्रह का ये प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। सर हाँ। लेकिन इस प्लेन को तो सेफ्टी रख दीजिए। डोंट वरी प्रोफेसर चंपाकली एक सेकंड ये लीजिए। ओके लेट्स गो। आंटी 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 2 रुपए आंटी 2 रुपए दो ना आंटी आंटी 2 रुपए दो ना। शर्म नहीं आती इस तरह रास्ते पे खड़े रहके भीख मांग रहे हो? तो भी रे भीख मांगने का ऑफिस खोलूं मैं? शट अप। आंटी बोला इसलिए भड़क गए। अरे गुल्लू तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे बनाऊंगी मैं बेसन के लड्डू चल 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 घर जा। अरे हाँ सुन गैस पर मैं दूध भुलाई हूँ पतीला उतारते वक्त जो तू दूध गिराएगा वो साफ कर देना। ओके जा मेरे भाई जा। इसने मुझे अपना भाई कहा उसका मतलब मेरी शक्ल इसके भाई से मिलती है। इसका भाई यानी लाठी खानदान का गुल्लू। एक्सक्यूज मी आपने इस आदमी को कहीं देखा? अब क्या करेंगे क्या बता? एक्सक्यूज मी ये तस्वीर देखिए अच्छी है आपने खींची है। लाठी खानदान आई थिंक सो। नहीं नहीं दरअसल हम लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने इस आदमी को कहीं देखा है? हाँ देखा है रोज देखती हूँ मेरे घर में ही है। आपके घर में? आपका घर कहाँ है? हाँ यहाँ से आगे जाएंगे ना तो राइट टर्न लेना फिर लेफ्ट टर्न लेना फिर गली में आगे जाना फिर एक नो एंट्री का बोर्ड आएगा वापस आ जाना फिर राइट टर्न लेना 4 कदम चलते ही एक शानदार बंगलो दिखाई देगा वही हमारा गरीब खाना है। गरीब खाना? अरे लेकिन ये लोग गुल्लू को क्यों ढूंढ रहे थे? अरे आ रहा हूँ बाबा आ रहा हूँ। प्रोफेसर गुलेक्जेंडर प्रोफेसर गुलेक्जेंडर आई एम सो हैप्पी वी हैव फाउंड यू एट लास्ट। माँ का दूध पिया है तो हिंदी में बात कर। हिंदी में आती है? ओहो मैं भूल कैसे गया आप तो दुनिया की 38 भाषाएं जानते हैं। हाउ आर यू एपड़ी रुकेंगे साइकिल माँ एपड़ी नीले मंडी ऊपर चढ़ जाए। सर आपको क्या मालूम अमेरिका में आपके कारण कितनी खलबली मची हुई है। मेरे कारण खलबली मची है वो भी अमेरिका में? आपको फौरन मंगल ग्रह जाना पड़ेगा। है? क्या ये और मंगल ग्रह जाएगा? ए
जाएगा नहीं, जाएंगे कहिए। आपको पता है ये अमेरिका के मशहूर साइंटिस्ट प्रोफेसर गुलेक्जेंडर है। ये देखिए इनकी तस्वीर। ये तो वाकई इसकी तस्वीर है। गुले, 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 जो नाम मैं ठीक तरह से नहीं ले सकता वो मेरा कैसे हो सकता है? देखिए सर, आपके बनाए हुए यान पाथफाइंडर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आपको मंगल ग्रह पर भेजने का फैसला किया गया और आप भागकर यहाँ आ गए। देखो आज तक मैंने कभी पराठा नहीं बनाया, वो आपका फुटपाथ कैसे बना सकता हूँ मैं? सर हमको पता है सर, हम जानते हैं कि आपको मंगल ग्रह पे नहीं जाना है, इसलिए आप भागकर यहाँ आ गए, लेकिन हम आपको अमेरिका लेकर ले जाएंगे। ताजमहल ढाबा, देखिए भाई एक चिकन करी भिजवा दीजिए, साथ में एक मिक्स फ्राइड राइस। क्या राज, तुम्हारी ये मजाल, तुमने मेरे भाई को फंसाया। अरे अगर ये मंगल ग्रह पे गया तो मुश्किल हो जाएगी। अरे मुश्किल तो मंगल ग्रह वालों के लिए होगी, कम से कम हमारी धरती पे तो अमन मुकम्मल हो जाएगा। मेरा वीजा लाने गए, वो आने से पहले अगर जीजा जी को सही रास्ते पे लाओ ना। कुछ दिन तू और इस घर में रहा ना तो मैं वैसे ही रास्ते पे आ जाऊंगा। गुल्लू यानी गुल्लू 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 को कितना बुरा लगेगा जब ये बात सुनेगा वो प्रोफेसर गुल 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 क्या था वो गुलेक्जेंडर प्रोफेसर गुलेक्जेंडर। आई एम सॉरी, अफसोस की बात है कि आज आपका वीजा ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। देखिए ये मेरा भाई गुल्लू है, ये तुम्हारा प्रोफेसर गुला गुला क्या गुला क्या गुलेक्जेंडर। हाँ गुलेक्जेंडर नहीं है। क्या हुआ क्या हुआ लक्ष्मी? मुझे यकीन नहीं होता कि तुम चार पैसों के लिए बिक जाओगी और किसी अजनबी को अपना भाई कहने लगोगी। चार पैसे? हाँ ये देखो, एक दो तीन और चार, चार पैसे। मैं अभी साबित कर सकती हूँ ये मेरा भाई है। जाइए जाइए। प्रोफेसर गुलेक्जेंडर तब तक आप मान जाइए ना। क्या देखिए वहाँ मंगल ग्रह पर आपका पाथ फाइंडर कितना तनहा है। तो आप जाके उसे कंपनी दीजिए, मैं बहुत बोर आदमी हूँ, समझा ना। देखिए ये देखिए, ये हमारी फैमिली एल्बम है, हमारी फैमिली तस्वीर है, ये राज, ये मैं और ये मेरा भाई गुल्लू। ये है ना आपका भाई? ये तो नहीं, तो आप इसको डेफिनेट ले जा सकते हैं। कौन ले? जीजा जी मैं आ गया। अरे अरे गुल्लू गुल्लू मेरे साले, बड़े दिल वाले, ये फोटो वाले, यही है मेरा साला। नहीं मैं नहीं, ये तो कंपाउंडर है। जीजू 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 गुल्लू जी, मेरे जाने के बाद आपको मेरी याद नहीं आएगी। कैसी बात करता है गुल्लू, मुझे और तेरी याद नहीं आएगी? फिर अरे जब भी मैं अपना भरा हुआ बटुआ देखूंगा, जब भी मैं अपना बढ़ा हुआ बैंक बैलेंस देखूंगा, जब पुलिस महीनों तक मेरे घर नहीं आएगी तो मुझे तेरी याद बहुत आएगी गुल्लू। लाज मेरे चांद जैसे भाई को क्यों तंग कर रहे हो? अरे तुम्हारे चांद जैसे भाई को चांद के करीबी तो भेज रहा हूँ मैं, पता है मंगल से चांद कितना पास है? जीजा जी एक मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। क्या कर लेगा तू? मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। अब आया लाइन पे तो खा भगवान की कसम कि तू आज के बाद मुझे कभी तकलीफ नहीं देगा। आपकी कसम नहीं चलेगी। देखा देखा फिर से गेम खेल रहा है, अब तो मैं तुझे कभी मदद नहीं करूंगा, जा। ओ, भगवान की कसम खा लेना। कैसे खाओ कैसे खाओ, गलती से टूट गई तो भगवान मुझे छोड़ेगा नहीं। नो रिस्क नो रिस्क। देखा देखा यही। सॉरी सॉरी प्रोफेसर गुलेक्जेंडर, हमको आज भी आपके वीजा नहीं मिले। देखिए आप बार बार यहाँ आके हमें तंग मत करिए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगी। कीजिए कीजिए, आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए। अभी तक तो ये बात दबी हुई है, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट को जब इस बात का पता चलेगा तो प्रोफेसर साहब को मिसाइल पर बिठाकर आसमान पे छोड़ देंगे। या आपको 115 साल की कैद होगी बामुशक्कर। देखिए प्रोफेसर गुलेक्जेंडर, इसका मतलब ये हुआ कि मरने के बाद भी 50 साल तुमको जेल में सड़ना पड़ेगा, तब जाके सजा पूरी होगी। अरे हो गया हो गया, आपके टीवी का डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया है पाथफाइंडर से, अब आपको डायरेक्ट सिग्नल मिलेगा मंगल ग्रह। चलो ना देखते हैं मंगल ग्रह पे कौन सी फिल्म लगी है। हाँ। डोंट वरी दीदी, पॉइजन का बंदोबस्त मैं करूंगा, अब तू जा। ओके ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। क्यों गुल्लू भैया, ये भाई बहन में क्या खिचड़ी पकड़ी थी? कुछ नहीं है, मौसम के बारे में बातचीत चल रही थी। अच्छा 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 अच्छा, मौसम के बारे में बात चल रही थी, वो भी यहाँ कोने में खड़े हो गए। वाह वाह, साफ सुथरी जगह है ना इसलिए। अच्छा हम लोग
लोग चलते हैं। जाइए जाइए। नहीं नहीं ऐसा है ना कि अगर हम लेट हो गए तो फिर अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा। नहीं, आप जा नहीं सकते। दीदी आपके लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाने वाली है। आलू के पराठे? नहीं सर, आप खामोखा तकल्लुफ कर रहे हैं। चलिए। नहीं नहीं, तकल्लुफ का नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। आप प्लीज दो मिनट बैठिए ना दीदी, आधा घंटे में आएगी। अरे प्रोफेसर साहब, आप भी किसकी बातों में आ गए? अभी तो लच्छो आलू बोएगी, फिर वो आलू उगेंगे, फिर वो आलू काटेगी और तब जाके कहीं पराठा बनेगा। मेरी जिंदगी भर यही रहने का प्रॉब्लम है। नहीं नहीं सर, बहुत लेट हो जाएगा। आलू रेडी है, आलू रेडी है। सुनो, रुको रुको रुको, वो गए, अब नहीं रुकने वाले। क्यों? क्योंकि वो भी मेरी तरह जान गए कि तुम्हारे आलू के पराठे में कुछ काला है। गुल्लू गुल्लू, तो मेरी बात सुनो। आप कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनो। स्टूपिड, तुझे तो घर पे रहना था, पॉइजन का अरेंजमेंट करना था। मेरी बात सुनो। अरे क्या बात सुनो, मैं घर पे चल के सुनूंगी। अरे 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 अरे, कितना ब्रिलियंट प्लान बनाया था हमने, आलू के पराठे वाला। मैं पराठा खाता नहीं, एसिडिटी हो जाती है। ओ, आलू के पराठे तुझे कहाँ खाने हैं? वो तो प्रोफेसर गोखले और चंपा अकेली को खिलाने थे ताकि वो तुम्हारा वीजा ना बना सके। एग्जैक्टली, मंगल ग्रह। पर तू फिक्र मत कर। हाँ गुल्लू, मैं हूँ ना, कोई चक्कर चलाएंगे। फाइनली अगर कुछ हुआ ना तो यू डोंट वरी, राज को मंगल ग्रह पे डेफिनेटली भेज देंगे तुम। आंटी आप तो 2 रुपए दोगे ना? स्टूपिड, बोलेगा आंटी, बोलेगा आंटी। जीजा जी, मुझे याद दिला गया। ओ प्रोफेसर गुलेक्सेंडर, आप मंगल पर जा रहे हैं ना, तो वहाँ के तौर तरीके, तहसीब, रहना करना, वो सब आपको सीखना पड़ेगा ना, ताकि जब आप ऊपर जाए तो हमें नहीं, आपको तकलीफ नहीं हो। एक्चुअली सर, क्या है कि मंगल ग्रह पर ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी से 20 गुना ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे हर कदम पर आप अपने आप को भारी भारी महसूस करेंगे। आपकी तरह? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मंगल ग्रह पर गिरना मना। क्यों? ऐसा है कि अगर यहाँ आप पहले माले से भी नीचे गिरे तो ज्यादा से ज्यादा खरोंच आएगी, लेकिन वहाँ अगर लड़खड़ा के थोड़ा सा भी गिर गए तो फ्रैक्चर हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है ना। भगवान करे गुल्लू कदम कदम पर गिरता रहे। वहाँ पे आपको खड़े खड़े सोना होगा। खड़े खड़े? अरे पलंग का डिजाइन ऐसा होगा क्या? नहीं 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 नहीं, बात दरअसल ये है कि वहाँ अगर एक बार लेट गए तो उठना नामुमकिन है। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है ना। कौन सा फोर्स है ये? सर, वहाँ पे चलने के लिए आपको ना सिर्फ पैर बल्कि अपने हाथों का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। यू मीन गधे की तरह चलना पड़ता है? उसके लिए प्रोफेसर साहब को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। दीदी, ये मुझसे नहीं होगा। अब मुझे क्या बोल रहा है? कल इन्हें छोड़कर मेरे पीछे पीछे ना आया होता तो आलू के पराठे खिलाकर इनसे छुटकारा पा लिया होता। मैं तेरे पीछे आया था? मैं कहाँ आया था? तो घर पे ही था। घर पे था? समझी समझी समझी। प्रोफेसर प्रोफेसर, ये मेरा वाला गुल्लू है, आपके वाला गुलेक्जेंडर आजाद घूम रहा है। मैं उसे मिली थी। एक और नई स्टोरी। चलिए चलिए, एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए कि ये प्रोफेसर गुलेक्जेंडर नहीं गुल्लू है। ये गुल्लू ही है। नहीं, मेरी बात सुनिए, प्रोफेसर गुलेक्जेंडर गुल्लू कहो, वही हाँ। गुल्लू और प्रोफेसर गुलेक्जेंडर अगर मंगल ग्रह पे जाते हैं तो कितनी बड़ी बात है। सोचो कैसी कैसी बहन हो तुम लक्ष्मी। अगर मैं इसकी बहन होती ना तो इसे धक्के मार मार के मंगल पर ले जाती, बल्कि खुद भी छोड़ आती और वहीं रह जाती। एक मिनट, आप लोग एक मिनट के लिए अपने इमोशंस को खोपचे में सरका दीजिए। क्या मतलब? सोचिए कि अगर प्रोफेसर गुलेक्जेंडर ठीक है प्रोफेसर गुलेक्जेंडर एक महान हस्ती के रूप में जाने जाएं? यस प्लीज, हाँ कह दीजिए ना। प्लीज हाँ कह दो लक्ष्मी। नहीं लक्ष्मी कह दो। एक मिनट, मेरा गुल्लू मंगल ग्रह पे जाएगा। मुबारक हो।
मंगल ग्रह पे? ओ, तुम महापागल हो, मंगल ग्रह पे इसको नहाने तो क्या, दांत घिसने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, है ना प्रोफेसर दाढ़ी? जी हाँ, आप तो जानते ही हैं कि अमेरिकन सरकार आपके इस अभियान पर 1500 करोड़ डॉलर खर्च कर रही। लेकिन इसमें रहने खाने का खर्च शामिल है ना? हाँ, खाने से याद आया, वह खाना मुझे बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, सर ये देखिए पूरा एक साल का खाना आपका इस डिब्बे में बंद है। एक साल का खाना इस डिब्बे में? नहीं इसमें नहीं, इसके अंदर के इस डिब्बे में। और ये रही एक गोली। एक गोली? अच्छा, खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद? नहीं, ये आपका एक दिन का टोटल खाना है, इसमें सारे विटामिन कूट कूट के भरे हैं। अब चले, आप एक काम कीजिए ना, अब आगे जाइए, मैं अभी आता हूँ। बस गुल्लू अब बहुत हुआ, चलो सामान उठाओ, कम ऑन कम ऑन, तो जाना ही पड़ेगा। मेरे भाई धीरज रखना, चिट्ठी लिखते रहना। जरूर लिखूंगा, जरूर लिखूंगा। मंगल ग्रह में पोस्ट ऑफिस कहाँ है? Four, 3, 2, 1, 0 गया। क्या हुआ राज? हमें गुल्लू को छोड़ने जाना चाहिए था ना। क्यों उसे छोड़ने जाते तो वो रॉकेट की खिड़की में से हाथ निकाल के हमें टाटा करता क्या? राज, मेरा बेचारा गुल्लू मंगल ग्रह पे क्या कर रहा होगा? अरे गुल्लू क्या करेगा, जो भी करना होगा वो मंगल ग्रह के मानव पक्षी बाशिंदे कर रहे होंगे। क्या मतलब? भाई सोच रहे होंगे ना कि गुल्लू को किस तरफ से खाना शुरू करें। तुम हमेशा उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? नहीं 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 लक्ष्मी, शायद तुम्हें जान के हार्दिक खेद होगा, एक राज की बात बताऊं? हालांकि मुझे कसम दी गई थी मगर मेरी अर्धांगिनी होने के नाते मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रोफेसर गोखले और प्रोफेसर चंपाकली ने मुझे एक राज की बात बताई कि उस रॉकेट में इतना पेट्रोल ही नहीं है जो गुल्लू को मंगल से वापस ला सके। धोखा, मेरे भाई के साथ धोखा। मैं जानता हूं लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, चलो पार्टी मनाते। दुनिया चाहे जो कहे मगर मैं जानती हूँ एक ना एक दिन मेरा भाई। फेंका गया, पाथफाइंडर ने मुझे धक्का मारा। हा? उनको पता चला कि मैं कोई साइंटिस्ट विंटेज नहीं हूँ, लाठी खानदान का गुल्लू। अरे मगर तुझे गिरने के लिए मेरा ही आंगन मिला था, दुनिया भर के 7 समुंदर के सूख गए थे। तुम्हारे अंदर छिपे प्यार ने उसे वापस खींच लाया। मैं जानता हूँ अब तो इस पृथ्वी के साथ साथ सारे ग्रहों के बाशिंदे भी ये जान गए हैं क्या कि भगवान ने गुल्लू को मेरी ही किस्मत में लिख भेजा है।